दादाजी आप चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, ये लीजिए। ओह नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है। बेटा जरा संभल कर। दादाजी रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे बच्चे। चलो चलते हैं। यहाँ तो बहुत है, तुम थक गए होंगे। सुनिए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सब ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। पर जम के एक्सरसाइज करते रहो। डब्ल्यू स्कॉट, मेरी मदद करो। ये तो राजू दादा है, इन्हें मदद चाहिए। बबलू डब्लू स्कॉट चलो। कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? राजू दादा, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, पर मैं फिर भी सबकी मदद करना चाहता हूँ, पर वो लोग मेरी हेल्प नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक आइडिया है। आप हमारे साथ जुड़िए और मिलके काम करते हैं। हाँ जरूर। सुनो, मुझे वो चाहिए। ये तुम्हारा सामान। बाय बाय। बाय। मिस्टर चेस्टर, आपकी मदद चाहिए। ओह, तुम टाइम पर आ गए, ताजा माल अभी अभी आया है। वो देखो वहाँ पे है। क्या तुम उसे यहाँ ला सकते हो? नो प्रॉब्लम। बड़े, हम दोनों इसको एक साथ ले जाते हैं। ठीक है। मेरी बात की शक्ति 1-2-3। राजू दादा, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी ताकतवर हूँ। मेरी कमर। अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। अभी मैं फिर से फिट हो गया हूँ। चलो काम पे चलते हैं। बस उनकी भलाई के लिए हमें उन्हें कोई ऐसा काम देना होगा जो उनके लिए आसान हो। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ पार्सल्स है जिन्हें पहुंचाना है। मैं कर सकता हूँ, पर तुम मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, बढ़िया। कार पहले से ही भरी हुई है। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा, उनका ऐसे अकेले जाना? बाकी की पैकिंग भी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चोपड़ा, ये गलती से मुझे दे दिया गया। क्या सच में? थोड़ी देर पहले राजू दादा आए थे। आपका पार्सल है मेरे लिए। बाय बाय। ये तो रिंकी के लिए लग रहा है, ये मेरा नहीं है। वो कहाँ चले गए? ये तो मिसेस फॉक्स ने ऑर्डर किया था, हम अभी के अभी पता करते हैं। ये बड़ा अजीब है, मुझे लगा था कि वो यहीं कहीं होगा। सुनिए राजू दादा, आराम से कीजिए। नहीं, पता नहीं ये कहाँ है। राजू दादा, ये लीजिए मिसेस फॉक्स।
पार्सल। आपका पार्सल? हाँ ये लीजिए। हाँ शुक्रिया। आपने गलती से इसे बाबू को दे दिया था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ काम करेंगे। इन घास को तो देखो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इसलिए हमें इस घास को साफ करना होगा। ये तो बहुत आसान है। ये तो मैं अक्सर गांव में किया करता था। ठीक है तो दोस्तों हम भी शुरू करते हैं। राजू दादा रामू दादा, धूप की वजह से हुआ होगा। समझ गई। राजू दादा आप आराम कीजिए और हम लोग काम खत्म करते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। ये सच नहीं है, आपने हमारी बहुत मदद की। आप दोबारा आ सकते हैं जब आप ठीक हो जाएंगे। रैम्बो दादा बहुत अच्छे हैं। हाँ वो सच में हैं। कोई तो मेरी मदद करो। हाँ चलो चलकर देखते हैं। कोई मदद कर सकता है? मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। मैं अपनी पतंग लेने के लिए ऊपर चढ़ गया लेकिन मैं अब नीचे नहीं उतर सकता। आराम से, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। लेकिन देखो मेरी पतंग टूट गई है। मुझे तो दिखा। निकू शायद तुम इसकी मदद कर सकते हो। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ जरा। राजू दादा मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। देखिए ठीक हो गया। शुक्रिया। देखिए मेरे पास क्या है, मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। ये लो, तुम्हें कैसा लग रहा है? वाओ ये बहुत बढ़िया है। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। सुनो मेरे दोस्तों। कैसा आइडिया? एक सेकंड रुकिए अभी पता चल रहा है। चलो मुझे पकड़ के दिखाओ। धीरे चलो। क्या हुआ? वो क्या है? वाह देखो कितना सुंदर है। ये अच्छा है। हाय बच्चों, आप अपने लिए कौन सा खिलौना लेना चाहोगे? ये हो चुका है, ये आपके लिए है बच्चे। ये ले लो। शुक्रिया राजू दादा। रामो दादा नाना, मुझे एक हाथी चाहिए। मुझे गाय का बछड़ा चाहिए। बिल्कुल मुझे थोड़ा टाइम दो। राजू दादा मेरी प्यारी बकरी मेरे साथ इस तरफ चलो। ये वाला तो बहुत बढ़िया है। ये वाला मुझे अच्छा लगा। ये सारे के सारे राजू दादा ने बनाए हैं और उनके पास और भी बहुत सारे हैं। दादाजी हमें भी सिखाइए। चलो जल्दी से बनाते हैं। पहले तुम्हें इसे मोड़ना होगा, फिर इसे इस तरह पकड़ो। तुम लोग समझ गए? बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हो, मैं आपको रोज यही मिलूंगा। कल मिलेंगे। शुक्रिया बच्चों, तुम बहुत प्यारे हो। आपका स्वागत है रामू दादा। और भी बहुत लोग आपके मदद की तारीफ करेंगे। बाबू डब्लू स्क्वाड मिशन पूरा।